शिमला जिले के सुमेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 36 लोग जो हैं वो जो हैं अभी लापता हैं। हमारे साथ गांव के बाशिंदे हैं कुछ, जिन्होंने इस सारे भयावहता को देखा है। रात को उनसे बात करते हैं, ये पति पत्नी हैं, इनका घर था यहाँ, इनसे ही ये सारी दास्तान सुनते हैं। आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, आप इसी गांव में आपका घर था? जी बिल्कुल, मेरा घर बिल्कुल था। जैसे ही मैंने मतलब इस मंजर को देखा है तो सिर्फ मैंने अपनी फैमिली को बचाने की और भागने की कोशिश की। जहाँ तक हम बचे हैं, लेकिन मेरे पूंजी प्रॉपर्टी मकान गौशाला टोटल ख़त्म है। मेरे पास कपड़े जो है दूसरों के दिए हुए पहने हैं हमने दोनों ने, मियाँ बीबी ने, बाकी हमारा टोटल लॉस है। हम लोग रोड में अभी रात में हैं, हमारे पास कोई चीज़ रहने का नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की सुविधा नहीं है, हम ऐसे रोड में हैं। कितने बजे हुआ ये, और आपने अंदाज़ा लगाया कि क्या कुछ हो रहा है, पानी आ रहा है ऊपर? जी सर, मैंने 12 बजे अंदाज़ा लगा लिया था। 12:10 पे मैं बाहर निकला कि भाई कहीं से आवाज़ आ रही है और स्मेल आ रही है, तो मैं 12:10 के बाद अंदर रूम पे गया तो मेरा बेड हिलने लग गया। तो बेड हिलने के बाद मैं फिर दोबारा बाहर निकल गया बरामदे पे, तो मैंने आगे को टॉर्च लगा के देखा कि भाई आदमी भाग रहे हैं वहाँ से, तो मैंने उनको बचाने की टॉर्च लाकर भाई ये बच सके इधर को आए हमारी तरफ से। तो वो आदमी मैंने जो टॉर्च के जरिए आए वो सेफ हो गए। तो उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को ही बोला कि हम यहाँ से निकलते हैं, उधर से पानी आ रहा है जिसका भाव बहुत तेज़ है, तो उधर से भी मकान सारे ख़त्म हो गए और आदमी सारे मर गए हैं, हम लोग खुद को बचाते हैं, निकलो यहाँ से जाने के लिए। जब ये पानी आया इतनी तेज़ी से, तो आप क्या पहाड़ी ऊपर पहाड़ी की तरफ गए? जी हम पहाड़ी की तरफ गए, मतलब उल्टी तरफ गए, दिशा में गए, ताकि पानी हमारे को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। पहाड़ी की तरफ से लेकर हम ऊपर गांव में निकल गए, गांव में हम मंदिर में रहे हैं पूरी रात। रात को 1 बजे पहुंचे, फिर 5 बजे सुबह हम वापस नीचे आए देखने के लिए भी हमारा घर है कि नहीं है, कि क्या चीज़ है। तो यहाँ देखा तो यहाँ मंजर कुछ और ही था, कोई भी आदमी नहीं बचा हुआ है, जो हम ऊपर निकले वही बचे, बाकी कुछ ज़मीन नहीं, मतलब जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, किसी कुछ नहीं बचा हुआ है। हम लोग बचे हैं 2 आदमी जिनके पास कुछ नहीं है, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, ना आने वाले समय में मकान लेने की जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, टोटल लॉस में है। आपका नाम क्या है? कुलविंद्र। कुलविंद्र जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जब ये सब कुछ हुआ रात को, है ना, एक तो आपका अपने घर के बारे में बताएं, आपका घर कैसा था और कौन कौन थे उस वक्त घर में? सर मेरा घर 2 मंजिला था और 6 रूम थे, एक गैस का किचन था, एक आग का किचन था, टॉयलेट बाथरूम थे और गौशाला थी, गाय थी। और जब ये हादसा हुआ तो मेरे को मेरे पति ने उठाया, बोला बाढ़ आ रही है उठ जा, मैंने चप्पल तक नहीं लगाए, सीधे ही मैं ये आगे से मैं थी, पीछे से और कंपनी वाले लड़के भी थे, हम सीधे भागे। फिर मेरे को कुछ पता नहीं है क्या घर में क्या हुआ, अंधेरा था, लाइट कुछ नहीं, फिर सुबह देखा तो खत्म है सब कुछ। आपके यहाँ घर में जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट था उसमें काम करने वाले लोग भी रह रहे थे? हाँ जी, जिनकी नाइट ड्यूटी थी वो सेफ थे, वहाँ पर कोई वो नहीं था, यानी वहाँ नहीं घुसी वो, खड नहीं घुसी वहाँ पर, वो बिल्कुल सेफ थे, जो अंदर थे 2-3 लड़के, बाकी तो जो रहते थे यहाँ बिल्डिंग में वो ख़त्म थे। तो आपके अड़ोस पड़ोस के घर जो हैं, बहुत सारे आपके जानने वाले भी ऐसे होंगे, रिश्तेदार होंगे जो इस बहाव में, बाढ़ में जो हैं बह गए हैं? तो क्या करना सर, बह गए वो, तो अब क्या कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है, रहने की व्यवस्था की गई है, कुछ बताया गया है? कुछ प्रशासन की तरफ सर ये आश्वासन दे रहे कि रामपुर चलिए, हमने वहाँ रहने की व्यवस्था की है। हमने कहा सर हम रामपुर नहीं जाना, अब इतनी दूर से फिर सुबह कौन लाएगा हमारे को यहाँ के लिए, भाई ऐसी स्थिति है, हमारे कीचड़ वाले जूते है, अब पूरे कपड़े दूसरों के पहने, हम कैसे बदलेंगे, कैसे नहाएंगे, तो क्या पहनेंगे, हम लोग दो ही परिवार हैं हम दोनों, बाकी के सब आप अपने घर निकल गए हैं, हम दोनों, हमारे पास कुछ नहीं है, ना जगह है ना ज़मीन है। तो प्रशासन ये कहती भी चलो काम क्या करते हैं? मैं सर कंपनी में एज ए स्टोर इंचार्ज हूँ यहाँ ग्रीनको कंपनी में, तो इस हिसाब से कंपनी भी मतलब ऐसा आश्वासन दे रही है आप रहो कहीं रहे रूम लेके रहो हम कुछ कर देंगे। तो प्रशासन की तरफ ये बोलेगी हाइडल पावर जो कंपनी है उसमें है, ग्रीनको हाइड्रो पावर, मैं उस कंपनी में था, लेकिन जो मेरा स्टाफ है उसमें से आधा स्टाफ जो है खत्म हो चुका है, और हमारी टेल रेस वियर सारी जो है सारी खत्म हो चुकी है। वो जो स्टाफ था जो आप बता रहे हैं बह गए हैं, वो साथ के घरों में रह रहे थे? हाँ सर, साथ के घरों में रहते, मेरे से कम 100 मीटर का एरिया से आगे थे वो लोग, वो टोटल लॉस में हो गए हैं, मकान भी नहीं तो आदमी भी नहीं, कोई कुछ नहीं बचा। हम अपने आप को बचा पाए, अपने मकान कुछ नहीं जब आप बच पाए, ना जूते ना जुराबे ना बस कुछ नहीं, पूंजीपति कुछ नहीं हमारे पास, हम इसलिए रोल में खड़े हैं यहाँ पर, भाई हमारे पास कुछ नहीं है। प्रशासन हो सकता है हमारे को यह जगह दे कहीं रहने के लिए, कुछ भी करे बस रहने का स्थान होना चाहिए सबसे पहले भाई, उसके बाद हम धीरे धीरे कुछ भी करके कर सकते हैं। हमारे पास जगह नहीं है, जगह ही नहीं मिलेगी तो हम रोड में ही है, फिर तो हमारी लाइफ रोड में रहेगी।
हमारे पास घर है दूसरी जगह। तो ये भयानकता झेली है इस परिवार ने, पति पत्नी ने, जब ये सो रहे थे तो बाढ़ आई। आप अब थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आप लोगों के पास ज़मीन नहीं है, सारा कुछ जो है ऐसे है जैसे कुछ नहीं था, यहाँ वीरान हो गया है सारा कुछ, है ना? तो जिंदगी जो जिंदगी जो है दोबारा नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, अब हम कर नहीं पाएंगे, हमारे हम उस स्थिति में नहीं कि हम नए सिरे से हर चीज़ कर सके, उतना स्ट्रगल हम नहीं कर सकते, नहीं हमारे पास पैसा है, नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये वो भयानकता है, भयावहता है जो इन परिवारों ने यहाँ समेज गांव में देखी है, सही है। जब बादल फटने की वजह से इन लोगों को रात को जो है अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, जान बचा पाए हैं, घर नहीं बचा पाए हैं क्योंकि घर तो बह गया है बाढ़ में। अब दिक्कत ये है कि आने वाली ज़िंदगी कैसे जिएंगे, क्योंकि घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, पता नहीं है घर कहाँ बनाएंगे। अब समस्या इन लोगों के सामने यही सबसे बड़ी है। कैमरापर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, समेज गांव, शिमला। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.